प्रॉपर्टीज वाला भी यही उम्मीद कर रहे हैं, कोई कैपिटल डबल नहीं हो रहा किसी के वेबिनार में ना स्टॉक मार्केट में, कहीं कैपिटल डबल नहीं होगा। कैपिटल सर डबल हो रहा है तो आप बता दो, मैं सर मेरी जो गाड़ी है बंगला है फिर मेरी कितनी भी दो बच्ची है तो मैं सर आपकी इस जर्नी को अगर किसी ने यहाँ तक सुना है तो मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि वो रिलेट कर लेगा रिटेलर। रिटेल वाला बंदा को चाहिए बड़ा रिटर्न पूरा, ऐसा नहीं है कि यार छोटी कैपिटल पे बड़ा रिटर्न बनाओ, गेम है कि बड़ी कैपिटल पे छोटा रिटर्न कंसिस्टेंट बनाओ। कि हमारे पास देखो सर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मुझे यहाँ से पैसे बनाना है, जब वो प्रेशर आया ना तो आप थ्रोडाउन पे चाहे 2% का भी हो ना वो आप नहीं फेस कर पाओगे। गुजरात सर एक ऐसा यू नो स्टेट है जहाँ पे आप मेरे बिल्डिंग में सर कम से कम 300-400 ऑफिस है, आप अल्टरनेट ऑफिस पे जाओ सब लोग 9 से 3 बजे यही काम करते हैं। ये प्रोसेस वाला बंदा भी फील करता है, इससे भी गलतियां होती हैं, इनके पास भी होली ग्रेल नहीं है, ये भी ड्रॉडाउन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, मार्केट भी इनके हिसाब से नहीं चलती और ये भी ड्रॉडाउन में जाते हैं। Hi friends, this is Nitesh, founder of Stockmock, and welcome to another episode of the podcast series that we have been doing, जिसको आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए thank you so much. हमारे गेस्ट अपना पूरा प्रिपरेशन करके अपनी जर्नी और लर्निंग्स के बारे में हमें बताते हैं सो दैट हम लोग उनसे इंस्पायर हो सके और उनकी जर्नी से हम कुछ सीख सके। ऐसे ही हमारे आज के गेस्ट हैं जिनकी एज 24 years है, वो प्रॉप डेस्क में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने CA का रखा है, CFA का रखा है, CS का रखा है एंड इतनी यंग एज में 24 इयर्स की एज में उन्होंने काफी कुछ अचीव कर रखा है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उन्हें आज बुलाने के लिए, उनसे सीखने के लिए, जानने के लिए कि वो क्या करते हैं, और बहुत सारे सवाल है मेरे मन में कि प्रॉप डेस्क में कैसे एंटर करें, उन्होंने कैसे स्टार्ट करा, वो इतना बड़ा फंड इतने कॉन्फिडेंस से कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट उन्हें बुलाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो वीडियोस आपको पसंद आती हैं वो प्लीज शेयर करें सो दैट जो गेस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो आगे प्रोपोगेट हो जाए। सो प्लीज लेट मी वेलकम आवर टुडेज गेस्ट हु इज अर्शद। हे अर्शद, हाउ आर यू ब्रो? हाय सर, आई एम फाइन सर। एक छोटा सा करेक्शन है, मेरा CA, CFA एंड CSA ऑन गोइंग है, सो इट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। हां जी सर। वाओ, दिस इज मोर इंस्पिरेशनल फॉर मी कि आप ऑन गोइंग करते करते आप ट्रेडिंग के इस लेवल पे पहुंचे हुए हो कि आप प्रॉप डेस्क में उतरे हुए हो, और ये आई एम सो एक्साइटेड टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अर्शद फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अर्शद। और सर आपकी तबीयत जो है बहुत नाजुक है, फिर भी आप आए तो आई लव्ड योर डेडिकेशन अबाउट दिस थिंग, यू नो, व्हिच इज आल्सो इंस्पायरिंग फॉर अस। नहीं नहीं यार, मुझे तो करना ही था क्योंकि मैं खुद एक्चुअली बहुत एक्साइटेड था जानने के लिए कि यार प्रॉप डेस्क में आप क्या करते हो, कैसे लैंड कर रहे हो। तो प्लीज आप अपनी जर्नी के बारे में एक बार मुझे स्टार्टिंग से बता दो अर्शद, कि आपने कैसे बैकग्राउंड क्या है। ऑलरेडी सर हमने PPT में थोड़ा बहुत कवर किया है, वीडियो शेयर हम ट्राई करेंगे 40-45 मिनट्स का, तो जर्नी सर वहीं पे डिस्कस हो जाएगी इफ यू डोंट माइंड। श्योर। तो मैंने आपको होस्ट बना दिया है। आप कैन यू सी माय स्क्रीन? यस आई कैन। ओके, सो हाय एवरीवन, आई एम अर्शित। मेरा जो नेम है थोड़ा यूनिक है, अर्शित है तो लोग ज्यादातर मिस इंटरप्रेट करते, जैसे नीतीश भाई यस्टरडे आप हमारा ही केस हो गया था, तो शॉर्ट में लोगों ने एडी बुलाना शुरू कर दिया था, तो एडी बुलाते ज्यादातर लोग। एंड आई एम फाउंडर ऑफ डायरेक्टिव्स प्रॉप डेस्क टीम, हमारी एक छोटी सी टीम है सर 10-12 लोगों की, और हम साथ में मिलकर काम करते हैं, और ये मैं फाउंडर। और थोड़ी हमारी सर्विस के बारे में बात करूं तो हम सर अल्गो और सिस्टम के अराउंड इवॉल्व करते हैं, उसका डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन जो है हम प्रॉप डेस्क में प्रोवाइड भी करवाते हैं, तो हम एक्स्ट्रा सर्विस जो है अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग फंड वो प्रोवाइड करते हैं। आवर मिशन इज टू ब्रिंग रिवोल्यूशन इन अल्गो इंडस्ट्रीज। सो The thing is, सर आप तो क्या है कि पूरा स्टॉक मार्केट मैनेज करते हो, तो आपके अराउंड जितने भी लोग आपके साथ कनेक्ट में रहते होंगे वो आप अल्गो के अराउंड देखते होंगे, बट मैं गुजरात से हूँ जहाँ पे स्पेसिफिकली अगर बात करूँ सूरत की, तो लोग यहाँ पे अल्गो के बारे में इतना अवेयर नहीं है, तो आई सी द ह्यूज गैप इज देयर, सो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन मेकिंग इट रिवोल्यूशनरी इन अल्गो इंडस्ट्री। तो हम थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो विजन की बात करूँ तो हम पूरा एक कम्प्लीट इकोसिस्टम बनाने वाले हैं थोड़े टाइम में, जहाँ पे एक मोट होता है जो आप बोल सकते हो USP, तो वो हमारा नेटवर्क रहेगा। आप बात बताओ नीतीश भाई, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप कौन सा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन यूज करते हो जब आपको फ्रेंड से फैमिली से बात करनी होती है? WhatsApp, राइट? व्हाई? बिकॉज वहां पे आपको पता है प्राइवेसी का भी इश्यू है, मार्क ज़ुकरबर्ग आपको पूरा देख रहा है, फिर भी लोग सारी दुनिया व्हाट्सएप पे लगी पड़ी है, सबको पता है बीच में सबने सिग्नल यूज किया था, वापस बैक टू व्हाट्सएप आ गए, बिकॉज नेटवर्क जो होता है सबसे बड़ा मोट होता है। So that's why we are trying to build a ecosystem with the moat of network. और ये जैसे आपने जर्नी की बात करी तो सर मेरा कुछ अप्रॉक्स 5.5 ईयर्स हो गए मेरे इस फाइनेंशियल मार्केट में। आई एम हैविंग एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ CA into CA final as of right now.
एंड आई वर्क विद मल्टीपल प्रोप्राइटरी डेस्क अक्रॉस द इंडिया. आपको 5 years हुए हैं, इसका मतलब आपने 19 years की एज से ही ट्रेडिंग लाइन ज्वाइन कर ली थी. हाँ जी सर. एक्चुअली सीए में क्या होता है, आपको कंपलसरी आर्टिकलशिप के थ्रू जाना होता है. तो जब मैं सीए में आर्टिकलशिप कर रहा था तो मेरे जो प्रिंसिपल की ऑफिस थी उसके सामने एग्जैक्ट एंजल ब्रोकिंग की ऑफिस थी. तो वहां पे मैं जाता था, सब वहां पे एनवायरमेंट आपको पता होता है, ब्रोकर का पूरा एक सेटअप रेडी होता है. तो वहां पे लोग आते थे, काम करते थे, कुछ लोग आईपीओ फाइलिंग के लिए आते. तब आईपीओ फाइलिंग वो सब अभी भी चल रहा है, बट तब तो कुछ अलग ही क्रेज था. तो वो सब धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया. आईपीओ फाइलिंग आई स्टार्टेड एंड देन आई कम अक्रॉस दिस डेरिवेटिव सेगमेंट. सो ऑब्वियसली फिर डीप जाते गए जाते गए जाते गए, पता नहीं चला कैसे 5 साल जो है निकल भी गए. ओके. इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग और रिवॉर्डिंग सेगमेंट है, मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब जितना बताऊं उतना कम है उसके बारे में. ओके. आर जर्नी जहां पे 2014 में सर आई यू नो क्लियर लेवल 1 ऑफ सीए, जो तब उसको सीपीटी बोलते थे, अब कुछ फाउंडेशन बोलते हैं. 2015 में आई स्टार्टेड फाइलिंग आईपीओ एंड 2018 आई क्लियर लेवल 2 ऑफ सीए. 2020 में सर हम 100% सिस्टमेटिक में शिफ्ट हो गए थे. तो 2020 से सर हम जो भी स्ट्रेटेजीज करते हैं 100% पूरी सिस्टमेटिक होती है. और 2022 में हम कुछ करीबन 25 सीए का पोर्टफोलियो जो मैनेज कर रहे हैं. ओह नाइस, वेरी नाइस. तो अभी आप करेंटली 25 सीआर का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं? हां जी, एज ऑफ नाउ अप्रॉक्स 25 सीआर से थोड़ा बहुत ऊपर है, बट आप राउंड फिगर में 25 सीआर पकड़ के चल सकते हैं. नाइस. एंड दैट टू ऑल सिस्टमैटिक इन नेचर? 100% सर. हमारा काम क्या होता है, मॉर्निंग में आते एक बटन क्लिक करते हैं, बस हो गया काम. हेजिंग भी ऑटोमेटिक हो जाता है, स्क्वायर ऑफ भी ऑटोमेटिक हो जाता है, ट्रेलिंग एसएल सारा 100% इज ऑल ऑटोमेटिक. वाओ नाइस. ओके. और एक थोड़ा एडवांस कंसेप्ट भी है. फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर लोग रिटेल में काम करते हैं, हम करते हैं काम इंस्टीट्यूशन और प्रॉपडेस्क का बोल सकते हो. तो को लोकेशन करके एक सर्वर होता है जहाँ पे एनएससी के बाजू में एक सर्वर लगाया हुआ होता है. तो फॉर एग्जाम्पल बाय एनी चांस ब्रोकर का सर्वर डाउन भी होता है तो हमें कोई इश्यू नहीं होता है, बिकॉज हमने वो एनएससी के बाजू में जो सर्वर लगाया वहां पे हमने हमारा सारा कुछ जो भी सिस्टम है लगाया हुआ है. तो अगर एनएससी डाउन होता है या तो एनएससी का को लोकेशन डाउन होता है तभी हमें सिर्फ इम्पेक्ट पड़ता है, अदर देन दैट हमें ज्यादातर इम्पेक्ट नहीं पड़ता है. अच्छा, एक बार कोलोकेशन के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि रिटेल ट्रेडर कैसे एक्सेस करता है डेटा और आप कैसे एक्सेस करते हैं? रिटेल ट्रेडर सर उसको क्या होता है कि ब्रोकर की लाइन मिलती है. लाइन मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग की एक मैसेज लाइन जाती है, वो होती है 40 MBPS की. तो जो 40 ऑर्डर जो है पर मिली सेकेंड जो है फायर कर सकता है. हमारा जो मैसेज लाइन होता है वो होता है 200 से लेकर 400 तक. तो हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा नहीं बहुत फास्ट होता है, और स्लिपेजेस जो है बहुत कम आते हैं. अच्छा. आप और फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रेडिंग इन रिटेल, आई एम ट्रेडिंग इन प्रॉप, अगर आप और मैं सेम सेकंड पे सेम ऑर्डर एक साथ फायर करते हैं तो देयर आर लाइक ऑब्वियसली हाई प्रोबेबिलिटी कि मेरा ऑर्डर फर्स्ट जाएगा प्रायोरिटी वाइज. वाओ, क्या इसका रीजन ये है कि पहले मेरा ऑर्डर ब्रोकर के पास जाएगा, उसमें कंडीशन चेक होगी, फिर वो एनएससी के पास जाएगा और आपका डायरेक्टली एनएससी के पास जा रहा है? एग्जैक्टली सर. जब हम यहाँ पे बटन प्रेस कर देते हैं ना तो वो कोलोकेशन में उसको सिग्नल मिल जाता है कि आज सिस्टम जो है एए सिस्टम रन करना होता है. तो अच्छा. उसको सिग्नल मिल गया, अभी सारा डेटा वहीं पे पड़ा है, अभी ब्रोकर के पास उसको जाना ही नहीं है. ओके ओके ओके. तो इसको हम कोलोकेशन कहते हैं, जिसके बारे में स्कैम भी रिसेंटली आया था. हाँ, वो स्कैम जो था वो अलग था, ये जो थी right. अलग है right. बहुत right. लोग मतलब रिसेंटली हमने वो ऑप्शनेबल के साथ HFT का थोड़ा नॉलेज शेयर किया था, तो बहुत लोगों ने बोला कि यार आपको ऐसा डिसएडवांटेज, हमको ऐसा डिसएडवांटेज होता, आपको ऐसा एडवांटेज होता, बट इट आल्सो कम्स विद द कॉस्ट. वी पे सम यू नो बिग कॉस्ट टू एक्सेस दिस डेटा एंड गेट दिस प्रिविलेज, नो इट कम्स विद कॉस्ट. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. ये बेसिकली काइंड ऑफ अ प्रीमियम सर्विस है जिसकी एक वैल्यू है. तो अगर किसी को पढ़ना है तो वो हमारी लिसनर्स कोलोकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं. जनरल ट्रेलर्स आई थिंक विल स्टिल स्टिक टू ब्रोकर्स, उनको कोलोकेशन में इतना वो होगा नहीं, बट ठीक है. या प्लीज डेफिनेटली. हाँ जी हाँ जी. तो आज का जो सर कोर टॉपिक होने वाला है वो हाउ टू बिल्ड अल्ट्रा लो ड्रॉडाउन सिस्टम. अभी मैंने वर्ड क्लियरली लिखा अल्ट्रा लो ड्रॉडाउन सिस्टम. अल्ट्रा लो ड्रॉडाउन का मतलब क्या होता है, ड्रॉडाउन इन अ सिंगल डिजिट. सिंगल डिजिट का मतलब है लेस देन अ 10%, 9.99% से अगर आपका ड्रॉडाउन जो है कम है तो हम उसको बोलेंगे अल्ट्रा लो ड्रॉडाउन सिस्टम. ओके ओके. और सबसे पहले मैं ही क्यों उसको बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने जो सर अचीव किया है टिल डेट, हमने जो डेट बताई तब से लेके अभी तक हमने मैक्सिमम 3% का रिस्क जो है अभी तक का फेस किया है. मतलब 3% से ज्यादा का ड्रॉडाउन हमने एज ऑफ नाउ नहीं लिया है.
अप्रैल इतना बुरा महीना था, सब आपको पता ही है सोशल मीडिया पे 10% 12% के अराउंड सब पोस्ट कर रहे थे हमारा प्रोडाउन ये, उसी टाइम पे हमारा 3% हिट हुआ था और वो मैक्स था. Okay. तब तो मंथ ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था. वी हैव एंडेड विद नेगलिजिबल ड्रॉडाउन व्हिच वाज अराउंड समथिंग अराउंड 0.75%. नाइस. सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, बिकॉज़ एज यू नो हम कुछ भी सिस्टम डिजाइन करते ना पहले की चीज पूछते हैं ड्रॉडाउन कितना, रिटर्न देना नहीं देना वो मार्केट के हाथ में, रिस्क कितना लेना वो हमारे हाथ में. तो हम रिस्क डिफाइन करते हैं, रिटर्न देना नहीं देना वो मार्केट खुद बताता है कि भाई आज लेना है आज नहीं लेना है. वाओ, सो आई थिंक हमारे जितने पहले पॉडकास्ट हुए हैं जो बेसिकली रिटेल के अराउंड रिवॉल्व करते थे, जैसे हम रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाय रिटेल आई मीन व्हेनेवर आई नाउ टॉक फॉर आवर लिसनर्स कि जब भी मैं बोलूंगा रिटेल आई थिंक थ्रू ब्रोकर्स एंड जो टॉप डेस्क का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इन दोनों को ना साइड बाय साइड कंपेयर भी करता रहूंगा. आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली अभी कि रिवॉर्ड्स कितना देना है वो मार्केट के हाथ में, बट रिस्क कितना लेना है वो मेरे हाथ में. तो आई थिंक दिस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द रिटेल ट्रेडर्स एज वेल जो इस मार्केट में नए हैं या जो बहुत पुराने हैं, कि हमारा काम है रिस्क किस तरह से मिटिगेट करें, रिस्क किसी तरह से कंट्रोल करें. यार देख लो, अगर एक प्रॉप डेस्क वाला बंदा जिसको इतना एक्सपीरियंस है, और मैं एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अर्षित आप जिन लोगों के साथ बैठते हो वो दसियों साल से वहां पे काम करते हैं, आपसे 10x ज्यादा मैनेज करते हैं, तो आप उनसे कितना लर्न करते होगे. तो मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि आप इसमें क्या लर्न करने वाले, लर्न करवाने वाले हो. और जो सबसे पहला पॉइंट आपने बताया, रिस्क खुद कंट्रोल करो, या प्लीज. नाइस. हाँ जी सर. तो ये सर कुछ हमने सिस्टम जो है उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लाके डाला है, जहाँ पे आप देख सकते हो एक कुछ सिस्टम थी जो हम चलाते थे, अभी नहीं चलाते, बट यू कैन सी 87% उसका विन रेट है, मैक्स लॉस है उसका ऑलमोस्ट 4000, आप पकड़ के चलो राउंड फिगर में आफ्टर स्लिपेज एवरीथिंग. टोटल स्ट्रेटेजी 6 है, मतलब आप 600,000 पे पूरा सेटअप रन कर सकते हो, ऐसा मान सकते हो बाय बाइंग हेजेस एंड ऑल दिस. उसके ऊपर आपका मैक्सिमम लॉस 4000. तो यू कैन सी यहाँ पे 0.6% समथिंग अराउंड आपका ड्रॉडाउन आएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर आप पकड़ के चलते सारा डेटा. तो ये सारी सिस्टम हमने डिजाइन किए तब जाके मैं कुछ ड्रॉडाउन के ऊपर बोल रहा हूँ. तो जो भी बोल रहा हूँ मैं कुछ हमने अचीव किया है, अचीव किया इन द सेंस ऑफ हमने ऑलरेडी वर्क उसके ऊपर किया है, देन ओनली वी आर सेइंग कि हाँ ऐसे ऐसे आप फॉलो करो प्रोसेस, यू विल गेट द रिजल्ट्स. नाइस. पता है मुझे इसमें दो चीजें बेस्ट क्या लग रही है अर्षित भाई. हाँ जी. पहला ड्रॉडाउन विच इज वेरी मच कंट्रोल्ड, और दूसरा जो सबसे अपीलिंग चीज है ना इसमें, मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक और मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक का जो रेशियो है कितना गजब है. जस्ट टू लूजिंग स्ट्रीक. और ये सर बहुत लोग बोलेंगे यू नो कॉम्पिटेटिव डेटा है, आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो यहाँ पे आप डेज लिखा है ना उसके नीचे 72 लिखा है, वो 72 डेज नहीं है, वो वीक्स है. वीक्स मतलब हफ्ता. 70 या ऑफ कोर्स इट्स अ वीक, इट्स अ कैलेंडर डेज, राइट. हाँ हाँ. तो ये पूरा मतलब 2 साल का डेटा है, कहने का मतलब ये है. ओके. तो कोई भी चीज आप ना एक महीने पे या तो 6 महीने पे, ज्यादा से ज्यादा 1 साल पे कर्व फिट कर सकते हो, 2 साल के डेटा पे आप कर्व फिट नहीं कर सकते हो, 3 साल पे तो कभी नहीं कर सकते हो. ओके. हाँ, तो कहने का मतलब इट्स नॉट अ कर्व फिटेड डेटा. एंड ये जो हमने सिस्टम रिसेंटली दिखाया वो हमने कैसे बिल्ड किया है, तो सबसे पहले हमने पोजीशन साइजिंग जो है वो तो आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे देखोगे, जो हम कैसे उसको करना है वो आगे भी देखेंगे, बट वो हमने कुछ उसके बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे हमने पोजीशन साइजिंग कैसे सेट करनी है वो हमने उसका मैथमेटिक्स निकाला है. ओके. दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है. तो हम यहाँ पे 1-2 स्ट्रेटेजी नहीं कर रहे, 6 स्ट्रेटेजी कर रहे. इट्स लाइक यू आर हैविंग अ क्रिकेट टीम ऑफ 6 पीपल, जहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल सचिन नहीं चलेगा तो उस दिन द्रविड़ चल जाएगा, द्रविड़ नहीं चलेगा तो उस दिन फॉर एग्जांपल पंड्या नहीं चलेगा तो कोहली. तो यू हैव 6 बेस्ट प्लेयर्स, तो कोई ना कोई तो चलना है एक दिन, है ना. तो दैट्स व्हाई यू नो डाइवर्सिफिकेशन कम्स इनटू द पिक्चर. तो डाइवर्सिफिकेशन हम करके रखते हैं, जो अल्टीमेटली राइट पोजीशन साइजिंग और डाइवर्सिफिकेशन दोनों मिलकर लीस्ट पॉसिबल ड्रॉडाउन जो है वो आपको जनरेट करके देगा. So this is the crux. Okay. Diversification की आपने बात करी, इसका मतलब कि हमें multiple systems को run करना है, और आपने हर system को एक नाम दिया, सचिन, सहवाग, द्रविड, गांगुली. क्योंकि एक कुछ पिच होती है, फॉर एग्जाम्पल एक पिच है जो आप फास्ट बॉलर के लिए सही है, तो वहां पे हो सकता है सचिन जो अच्छा नहीं कर पाए उस दिन द्रविड अच्छा कर जाएगा. ओके. है ना. तो आगे भी उसका डिस्कशन करेंगे कि कितने टाइप्स के मार्केट्स होते हैं और किस तरह से उसको टैकल कर सकते हैं. तो हाउ टू बिल्ड अल्ट्रा लो ड्रॉडाउन सिस्टम. तो सबसे पहले लो ड्रॉडाउन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं हम, राइट. तो सबसे पहले लो ड्रॉडाउन अगर आपके पास होता है ना सिस्टम कोई, तो उससे आप सस्टेनेबिलिटी आप अचीव कर सकते हो. सस्टेनेबिलिटी मतलब आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट में सस्टेन कर जाओगे.
नितीश भाई, आपको एक बहुत फन फैक्ट या बैड फैक्ट भी बोल सकते हो, वो बताना चाहता हूँ. 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर लूजिंग द 90% ऑफ कैपिटल इन फर्स्ट 90 डेज. कैन यू बिलीव दिस? ओके. एंड दिस इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन इन द यू नो पीपल हु हैव डन पीएचडी ऑन दिस एंड यू विल फाइंड इट ऑनलाइन एज वेल. ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 90 डेज के लिए भी सर्वाइव कर लिया तो देयर हाई प्रोबेबिलिटी यू विल यू नो लास्ट लॉन्गर देन अदर पीपल. Wow. Okay. तो सस्टेनेबिलिटी जो है उससे आपका स्टेबिलिटी आ जाएगा. यू विल बी स्टेबल कि हाँ भाई एक काम में मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं उसमें थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो रहा हूँ. एंड सस्टेनेबिलिटी से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से स्केलेबिलिटी. तो 25 करोड़ क्यों पहुंचे और कैसे पहुंचे, तो वो पहले उसका पहले का स्टेप था स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी से पहला स्टेप था वो था सस्टेनेबिलिटी, और उसके भी पहले का स्टेप था लोड ड्रॉडाउन. वाह, ओके. तो आप मैथमेटिकली फॉर्मूला अगर पुट करना चाहो तो बोल सकते हो लोड ड्रॉडाउन प्लस सस्टेनेबिलिटी प्लस स्टेबिलिटी इज इक्वल टू स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी सर लाना बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस अल्टीमेटली यू हैव टू फोकस ऑन द बेस. एंड बेस में क्या है? लोड ड्रॉडाउन. ओके, सीधी सी बात है, अगर आपका सिस्टम लोड ड्रॉडाउन है तो आप 25 करोड़ या 50 करोड़ भी पहुंच सकते हो, सब्जेक्ट टू यू हैव लोड ड्रॉडाउन सिस्टम एंड हाई एग्जीक्यूशन यू नो सर्वर्स. So before discussing our main topic, which is how to build ultra low drawdown system, we'll see कि system trading है उसके advantages क्या है और disadvantages क्या है. सबसे पहले बात कर advantages की, तो you know your drawdown well in advance. So आप दिन पे जा रहे हो, आप betting करने जा रहे हो, आपको पहले से पता है कि कौन सा bowler आने वाला है, कौन से bowler पे 6 मारना है, कौन से bowler पे 4 लगेगी. मतलब आप जा रहे हो, आपको पहले से पता है कि आपका ड्रॉडाउन क्या है. मतलब आपका 10 लाख का फॉर एग्जांपल कैपिटल, आपको पहले से पता है आज मेरा मैक्सिमम लॉस 5,000, 10,000, 15,000 कितने होने वाला. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट सिस्टम ट्रेडिंग, यू नो, बिकॉज आप मेंटली रेडी रहते हो. तो आप साइकोलॉजी मैनेजमेंट जो एक अलग से एक पूरा टॉपिक है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेकेंड थिंग इज इजीनेस. आज अगर बात करें तो सर कितने सारे एग्जीक्यूशन प्रोवाइडर्स है जो आप एल्गो को इवन रिटेल लेवल पे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करके दे रहे हैं, जो पहले इतना फ्रीडम, पहले इतना वो ओपन इंडस्ट्री नहीं था. तो आज इजीनेस इतना बढ़ गया है. स्केलेबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, स्केल अगर आपका सिस्टम आपको पहले से पता है लो ड्रॉडाउन है, आप अकाउंट कर लो आपका पर डे का मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 10,000 लॉस है, आप रेडी हो 1 लाख का लॉस लेने के लिए एक दिन का, तो सिंपली आपका स्केलेबिलिटी वहीं पे आ गया ना, आप सीधा 10x कर सकते हो. आई गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड थिंग इज लेस इमोशन. एज आई सेड कि आपको बस सुबह एक क्लिक करना होता है, शाम को आपको रिजल्ट मिल जाता है. हेजिंग भी ऑटोमेटिक हमारा होता है, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. तो उसमें आप कहीं ना कहीं एम टू एम से इमोशनली अटैच तो होते हो. देखो जैसे एम टू एम ऊपर नीचे होता है ना नितीश भाई, इमोशन भी ऐसे ऊपर नीचे होते हैं डेफिनेटली. बट कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिशनरी है ना उससे लेस इमोशन है. मैंने नो इमोशन नहीं लिखा है, लेस इमोशन लिखा है, बिकॉज इमोशन होगा बट आपको पता है कि सिस्टम है तो उसको फॉलो करना है. सो इट विल बी हैविंग लेस इमोशनल पेन्स. नो यू नो नेक्स्ट थिंग इज लेस स्लिपेजेस. तो इफ यू कंपेयर सिस्टमेटिक ट्रेडिंग विद डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, तो स्लिपेजेस जो है क्यों उसमें कम होता है उसका रीजन भी बता देता हूँ आज. फॉर एग्जाम्पल आप कोई 920 जो बहुत पॉपुलर हो रहा है उसका ही एग्जाम्पल लेते हैं. 920 में आपने एग्जीक्यूट किया और उसका 920 पर स्टॉप लॉस लग जाता है ऑन एक्सचेंज इटसेल्फ. और एक्सचेंज प्रायोरिटी जो देता है वो फिफो बेसिस पे देता है. तो अगर आपने 920 पे कोई स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया है, कोई बंदा बाद में 10 बजे मूवमेंट आती है तब स्टॉप लॉस लगाता है, ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग प्रायोरिटी इन यू नो एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर्स. सो इसमें स्लिपेजेस जो है वो कंपेयर्ड टू डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग बहुत कम होता है. एडजस्टमेंट कॉस्ट भी लेस होती है क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत मिनिमल आता है उसमें सिस्टमेटिक ट्रेडिंग. डिसएडवांटेज क्या होता है? एग्जीक्यूशन एरर और इशू. जैसे आज ही अगर बात करूँ तो सर 0 था हाफ स्टॉक दोनों डाउन थे, राइट? कुछ कुछ कभी कभी एल्गो एग्जीक्यूशन जो है वहां पे भी इशू हो जाता है, एपीआई का, सर्वर का, बहुत सारे कुछ चीजें होती है. तो एग्जीक्यूशन एरर और इश्यू हो सकते हैं जो कि डिस्क्रिशनरी में भी हो सकते हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है. और सेकंड थिंग जो सर मुझे बहुत पेनफुल लगती है, मुझे पता होता है फॉर एग्जाम्पल 5 साल का एक्सपीरियंस है, प्राइस एक्शन देख के पता चल जाता है यहाँ से रिवर्सल पॉइंट है, फिर भी वी हैव टू स्टिक टू द सिस्टम. दैट्स द वर्स्ट पार्ट, यू नो, आई विल टेल यू अबाउट द सिस्टम ट्रेडिंग. क्योंकि आपको पता है लॉस होने वाला है, ऑलरेडी यू आर इन प्रॉफिट, आपको पता है, दिख रहा है, लिटरली यू कैन सी कि हाँ मेरा लॉस इतना आएगा, फिर भी आपको वो फॉलो करना पड़ता है एज यू नो सिस्टम ट्रेडिंग. सो
ये थोड़ा पेनफुल है. एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ बैकटेस्ट डेटा. मैंने देखा है सर, बहुत सारे लोग डेटा को मिस इंटरप्रिट कर जाते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़ा लॉस ले बैठते हैं. तो उसका इतना अवेयरनेस नहीं आया है. लोग स्ट्रेटेजी जो है उसको दिखा देते हैं, रिट्वीट करके उसको सेल भी करते, तो बहुत सही है, नो प्रॉब्लम इन टू दैट. बट जो डेटा का इंटरप्रिटेशन ना, कितने लॉट जाने चाहिए कोई पर्टिकुलर सेटअप पे, उसका अभी तक कोई कहीं पे भी आपको नॉलेज नहीं मिलेगा. और शायद मिले तो मुझे भी बताना, आई विल बी आल्सो इंटरेस्टेड टू सी दैट. बट उसका डेटा और उसका नॉलेज बहुत कम लोग शेयर करते हैं, और बहुत कम लोग उसका लॉजिक भी शेयर करते हैं कि हाँ इतना लॉट पे इतना करना चाहिए. हम तो सर प्रॉप डेस्क में काम करते, तो हमारे पास लिमिट भी होता है, हम 25,000 पर वन लॉट एक स्ट्रेडल सेल कर सकते. हाँ, तो सोचो हमें 25,000 पे करना चाहिए. एक क्वेश्चन हम आगे भी पूछेंगे, 50,000 पे करना चाहिए, 1,00,000, 2,00,000, कितने पे करना चाहिए, उसका नॉलेज कोई शेयर नहीं करता. हम आगे उसमें भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे. सो दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. आपका अगर सर कोई क्वेश्चन या क्वेरी. सर मुझे ये है कि जब हम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं बैकटेस्ट डेटा का, तो इसको मेरे से बेटर कोई नहीं समझ सकता क्योंकि हमारे डेटा को इंटरप्रेट करके लोग एकदम आ जाते हैं, यार ये तो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी थी, इसने लॉस कैसे दे दिया. लोगों को सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि लोग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को रामबाण मानते हैं. इट्स लाइक exactly. कि मुझे आज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज डे प्रॉफिट को वो मानते हैं कि मुझे डेली 500 रुपए एक लॉट में प्रॉफिट आना चाहिए, विच इज इवेंचुअली रॉन्ग. सो मैं इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा अगर आप फ्यूचर में थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करोगे, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ बैकटेस्ट डेटा. हाँ जी सर, श्योर. हाँ प्लीज. ओके, मूविंग ऑन. So, अभी हमारा जो मेन कोर टॉपिक था, हाउ टू बिल्ड अल्ट्रा लो टॉलरेंस सिस्टम, उसके ऊपर बात करते हैं. तो सबसे पहले उसमें आपको मल्टीपल स्ट्रेटेजीज जो है उसका वेरिएशन लेके आने पड़ेंगे, विच विल बी अ नॉन कोरिलेटेड और लेस कोरिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग वन. ओके, नॉन कोरिलेटेड का मतलब क्या हो गया, वो उसका जो कोरिलेशन जो सर हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था, वो होना चाहिए 0.4-0.45 के आजू बाजू में मैक्सिमम. अगर 0.5 से ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो highly correlated हो जाता है. बिल्कुल. फिर सेकेंड थिंग होता है राइट पोजिशन साइजिंग. ये दो चीजें ऐसी है जो अगर और आइदर और नहीं है, एंड है दोनों के बीच में, मतलब समझ रहे हो, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज भी आपको करनी है और राइट पोजिशन साइजिंग भी करनी है, तभी अल्ट्रा लो ड्रॉडाउन सिस्टम बनेगा. ओके ओके, सो मूविंग ऑन. मार्केट कुड बी आइदर ट्रेंडिंग और इट कुड बी अ रेंज बाउंड और इट कुड बी अ वोलेटाइल. वोलेटाइल में हम सर वी एम एंड डब्ल्यू, ये सारी पैटर्न्स को वोलेटिलिटी में काउंट करते हैं. ओके, सही है. ऐसा तो नहीं होगा कि आज ट्रेंडिंग है तो उसके साथ साथ रेंज बाउंड भी होगा, ये तीनों में से कोई एक मार्केट होगा, राइट. अभी वेरिएशन आप क्या क्या लेके आ सकते हो टोटली, अगर स्ट्रेटेजी में अगर आप देखो तो टाइम का एक सबसे पहले वेरिएशन लेके आ सकते हो. 920 सब लोग कर रहे थे, 6 महीने से शायद पैसा नहीं बना, तो लोग उसमें बोल रहे पैसा नहीं बना. अरे भाई कुछ और टाइमिंग तो देखो, 920 नहीं चल रहा है तो ऑब्वियसली कुछ और चल रहा है. SL जो है वहां पे भी 25%, मतलब इंडियन मेंटालिटी, आई विल टेल यू नीतीश भाई ना, कितने लोग आते हैं वो बोलते हैं 920 आप अगर बता दिया और 25% बता दिया, वो 920 का 921 नहीं करेंगे, 25 का 26 या 24 नहीं करेंगे. इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई सी. नाइस. तो यहाँ पे आपने वेरिएशन जो है टाइम और SL का करा, साथ में ट्रेंडिंग, रेंज बाउंड और वोलेटाइल मार्केट तीनों का टेक केयर किया तो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल टाइम जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया 3 सेशन में, मॉर्निंग, नून और इवनिंग, और मार्केट को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया जो ट्रेंडिंग, रेंज बाउंड और वोलेटाइल है. अभी हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है जो 9:15 से लेके 10:30 तक जाती है, तो देयर यू हैव टू सी कि वो कौन कौन सा पीरियड कवर कर रही है, आई मीन कौन कौन सा मार्केट कवर कर रही है, ट्रेंडिंग कवर कर रही है, रेंज बाउंड कवर कर रही है, वोलेटाइल कवर कर रही है. फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में यू आर डूइंग वन स्ट्रेटजी विद 25% SL, देन आल्सो यू शुड डिप्लॉय सम स्ट्रेटजी विच इज हैविंग 60 or 65% SL इफ इट्स फिजिबल फॉर यू. बिकॉज वहां पे क्या होगा, 25% मतलब यू आर लुकिंग फॉर ट्रेंडिंग डेज ओनली, जहां पे आपको प्रॉफिट होगा ओनली ओनली ट्रेंडिंग डेज. रेंज बाउंड में भी अभी तो रेंज बाउंड भी वोलेटाइली जैसा हो गया, 25% तो दोनों साइड हिट हो जाता है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, मॉर्निंग में अगर आप दो स्ट्रेटेजी ऐसी डेवलप करते हो जहाँ पे एक बड़ा SL है, दूसरा छोटा SL है, तो आपकी दो प्रोबेबिलिटी तो कवर होगी, ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड. अभी आप आ गए नून में, तो जहाँ पे आप ट्राई करते हो कि रेंज बाउंड और वोलेटाइल कवर हो जाए, तो रेंज बाउंड मतलब थोड़ा बड़ा SL रख दो, और वोलेटाइल मतलब आप री एंट्री का जो फंक्शन है या और भी कुछ बहुत सारा आपने सर फंक्शन रिसेंटली में देख रहा था, बहुत कुछ VM and W के लिए आपने
बना के रखे, तो वो बना के आप वोलेटाइल मार्केट, वी शेप के जो मार्केट को कहीं ना कहीं उसको टेक केयर करवा पाओगे। तो ऐसे ही सेम थिंग इन इवनिंग, अल्टीमेटली ये जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा 6-7 व्हाटएवर स्ट्रेटजीज का बन के आएगा, वहां पे क्या होगा सर, हमारे को इश्यू क्या होता है पता है, हमारी सर करीबन 1.5 लाख क्वांटिटी फॉर एग्जांपल जाती है, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग ओके, तो 1.5 लाख क्वांटिटी में एक स्पाइक आता है ना, तो एक ही स्पाइक में हमें 1.5 लाख क्वांटिटी काटनी है। तो इश्यू क्या हो जाता है, स्लिपेज थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं सर, इतना वेरिएशन कर देता है ना, यू वॉन्ट बिलीव सर, मेरा टोटल 45 स्ट्रेटेजी जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है पूरे दिन में धीरे धीरे करके, और हमारी ऑर्डर बुक जो है वो 400 से 500 पेज की बनती है पर डे की। हाँ जी सर, उसका रीजन लोड रन का यही है क्योंकि हमने इतने सारे वेरिएशन किए हैं जहां पे हम ट्रेंडिंग मार्केट को भी थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी में रेंज बाउंड कवर कर लेते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी में वोलेटाइल कवर कर, इवन 12:30 के बाद भी कुछ हमारी स्ट्रेटेजी जो है न्यूली डिप्लॉयड होती है। बाकी मैंने ज्यादातर लोगों को देखा 12:30 के बाद कुछ करते ही नहीं। राइट सर, एक बार पिछली स्लाइड पे जाइए। मेरे को अपने लिसनर्स को ये बोलना है कि दिस इज अ ग्रेट फ्रेमवर्क इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई। ब्लाइंड डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी कि 25% 30% डाल दिया सुबह शाम और दोपहर को। आई थिंक दिस इज अदर वे राउंड। आपने पहले लॉजिक बनाया कि मुझे ट्रेंडिंग मार्केट और रेंज बाउट सुबह कवर करनी है। ट्रेंडिंग कौन सी होगी जिसमें छोटे एसएल होंगे, रेंज बाउंड कौन सी होगी जिसमें बड़े एसएल होंगे, फिर नून को मैंने डिसाइड करा चलो मैं रेंज बाउंड और वॉलेटाइल। तो आप ब्लाइंडली नहीं कर रहे बैक टेस्ट, आप ब्लाइंडली फिगर आउट नहीं कर रहे। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल फ्रेमवर्क विच वी मस्ट अंडरस्टैंड वाइल मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजीज, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्ट्रैटेजीज इन जनरल। दिस कैन बी अ गुड फ्रेमवर्क टू स्टार्ट विथ। इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगता है। Please. Right, sir, definitely. So, एक exercise, sir, करती है छोटी सी जहाँ पे आपको एक right position sizing जो है वो कितना होना चाहिए वो आपको बताना है। आपको मतलब users को बताने देना, आपने बताना, आपको तो सर पता होता है। तो एक कुछ हमने एक backtest वाला data है उसका एक screenshot लेके रखा है जहाँ पे maximum loss, average day loss जो है, एवरेज लॉस ऑन लॉस डेज जो है वो आपको दिख रहा होगा। राइट, तो यहाँ और एक ड्रॉडाउन भी आप पकड़ के चल सकते हो। आप फॉर एग्जांपल ड्रॉडाउन भी मैक्स लॉस है उतना ही ड्रॉडाउन है, फॉर एग्जांपल 6,000 का आप ड्रॉडाउन पकड़ के चलो, और उस हिसाब से यू हैव टू टेल कि एक केबीसी में नहीं आता है कि हाँ चार ऑप्शन देते हैं, ब्रिलियंट म्यूजिक भी लगा देना धड़ाधड़ धड़ाधड़ वाला। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। What should be right position sizing? So 50,000 per one lot, बहुत लोग बोलेंगे 50,000 per lot तो सर होता ही नहीं है अभी से भी समाज में। अरे भाई 25,000 पे भी होता है, प्रॉपर्टीज में होता है। तो अच्छा, I would, हाँ, तो कौन सा राइट रहेगा ये आपको बताना, ए बी सी डी, और आपको चार ऑप्शन है। ऑडियंस को आप ले सकते हो, किसी भी फोन को, किसी भी आपके गेस्ट को फोन कर लो, आई मीन एक्सपर्ट को फोन कर लो। 50-50 का ऑप्शन सर हम शायद कुछ दिनों बाद दे देंगे जहाँ पे हम दो ऑप्शन जो है वो रिमूव कर देंगे। आई थिंक हमारे लिसनर्स को अभी यहीं पॉज कर देना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, फिर से वो स्क्रीनशॉट देखना चाहिए जो उन्होंने स्टॉक मार्केट का स्क्रीनशॉट डाला है। डाल दूं मैं वापस, वापस मैं कर देता हूं। नहीं वो देखेंगे, आप देखो इसको, आप पॉज करो और इससे पहले अर्शित समझाए, आप एक बार खुद एनालाइज करो कि आप क्या आंसर करते हो। पॉज हियर एंड ड्रॉप इट इन कमेंट्स कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। अभी फॉरगेट कर जाओ कि आप प्रॉप डेस्क में कर रहे हो या 2 लाख मैंडेटरी हो गया है, जस्ट थिंक अबाउट इट। यप, अर्शित प्लीज टेल। और सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे है पर्सनली। जी सर, फॉर एग्जाम्पल एक रिडल के टाइप जैसा है, एक नदी है जो एवरेज 6 फीट गहरी है, तो आपकी हाइट, आपको वो क्रॉस करनी है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि आप उसको क्रॉस कर लो। और ऐसा आंसर नहीं देना उड़ के जाएंगे नो, वो जहां लेके जाएंगे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और उसमें कोई ट्विकिंग नहीं। सर मैं तो तैर के चले जाऊंगा, उसमें 4 फुट वाला भी चला जाएगा तैर के, क्या फर्क पड़ रहा है। तैर के नहीं, आपको फॉर एग्जाम्पल तैरना नहीं, मिनिमम 6 फुट होनी चाहिए सर, मिनिमम से ऊपर होना चाहिए मेरा थोड़ा सा। हाँ 6.5 फुट, राइट 6.5 फुट। यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं क्योंकि मैंने क्या बोला एवरेज 6 फीट, तो हो सकती है कहीं पे एवरेज 6 फीट गहरी है बट डीप जो आप बीच में जाओगे तो वहां पे 20-25 फुट भी गहरी है, तो वहां पे आप डूब जाओगे। ओके ओके, ये मैंने क्यों बताया, लोग जो है ना अपनी पोजीशन साइजिंग एवरेज लॉस ऑन लॉस डे पे सेट करते हैं। ओके, एवरेज लॉस ऑन लॉस डे, तो मतलब हो सकता है आपका एवरेज लॉस डे जो है 2,000 रुपीज हो, एवरेज लॉस ऑन लॉस डे 2,000। एक बार भी अगर उसने 10,000 हिट कर दिया एक दिन भी, तो दूसरे दिन आप पोजीशन उसमें डाल ही नहीं पाओगे क्योंकि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 2,000 और उसका सीधा 5x हो गया। आई गेटिंग वन?
तो एक मैंने हिंट दे दी और इसका आंसर सर अभी यूजर को ही बताने दो, शायद एक आध वीक के बाद हम ट्विटर पे या कहीं पे अपलोड कर देंगे, है ना? राइट राइट, बट पोजीशन साइजिंग के बारे में आप इन जनरल मुझे बताओ, फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर लिसनर्स अंडरस्टैंडिंग, पोजीशन साइज एक्चुअली क्या होता है और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? हर लोग, मैंने जब से पॉडकास्ट शुरू करा है ना भाई, आई डोंट थिंक एक भी हमारे गेस्ट ने बोला ना छेड़ा हो ये टॉपिक, और अब प्रॉप डेस्क का बंदा भी छेड़ रहा है, तो आई थिंक सो दिस इज वेरी क्रूशियल, तो प्लीज बताओ. अगर सर, अगर स्पेसिफिकली अगर लास्ट जो हमने फोटो की बात की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो स्टैंडर्डाइज मान के चलते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा 2 साल का डेटा है, हम डेटा देखते हैं, 1 साल का है, 2 साल का है, डेटा भी हम कैसे टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले लास्ट क्वार्टर का देखते हैं, अगर उसमें जो स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है ना उसको 1 साल पे देखते हैं, 1 साल पे भी वो क्या यू नो सही परफॉर्मेंस दे रही है, अगर दे रही है तो उसको टेस्ट करते हैं 2 साल के ऊपर. ओके, 2 साल पे भी टेस्ट किया, अगर रिजल्ट सही हमें लगा तो फिर जाके उसको डिप्लॉय करते हैं, और उसमें पोजीशन साइजिंग कैसे सेट करते हैं, 2 साल का डेटा है उसको लेते हैं, वहां पे देखते हैं कि मैक्सिमम लॉस और ड्रॉडाउन जो है वो कितना है. फॉर एग्जांपल ड्रॉडाउन जो है 10,000 है, तो उसका हम प्राइस पकड़ के चलते हैं, और वो भी इनडेप्थ इतना देखते हैं कि 10,000 आया है उस दिन, हमारी 6 स्ट्रेटेजी थी, तो 6 में से कौन कौन सी नहीं चली, हो सकता है 6 में से 3 चली 3 नहीं चली, तो अभी तक का ड्रॉडाउन 10,000 है, बट नेक्स्ट ड्रॉडाउन हो सकता है 25,000 का हो सकता है. तो अगर कोई एक दिन ऐसा होता है जहां पे सब स्ट्रेटेजी नहीं चली और उसका ड्रॉडाउन जो है 10,000 है, तो फिर बहुत सही है, तो आप 1.5x भी ड्रॉडाउन का लेके चल सकते. ये शायद नहीं समझा होगा, फिर से समझा दो. आपको एग्जांपल ले लेते हैं, एक ड्रॉडाउन का एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं, एक बार कर देते हैं, समझा देते हैं यूजर्स को, इसी को समझा दो आप. हाँ, तो फॉर एग्जांपल ड्रॉडाउन यहाँ पे मान के चलो 10,000 है, 10,000 ड्रॉडाउन, 10,000 ड्रॉडाउन है, और उसका स्ट्रेटेजी जो है वो टोटल 6 स्ट्रेटेजी थी हमारे पास, उसका ड्रॉडाउन 10,000 निकल के आया है फॉर एग्जांपल, ठीक है. अभी आप 2 साल का डेटा है उसमें आपने देखा कि मैक्सिमम जो लॉस आया है वो कौन सी तारीख पे आया है, वहां पे आप गए, वहां पे आपने देखा कि मेरी 6 स्ट्रेटेजी थी, वहां पे 3 तो बहुत सही चली है, 3 नहीं चली है. तो उसका मतलब क्या हो गया, एक दिन ऐसा भी तो आ सकता है जहां पे 6 स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी, आपके सब वो फेल हो जाएंगे, वीरेंद्र सहवाग, सचिन, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बट प्रोबेबिलिटी तो होती है. 25 साल में, फॉर एग्जांपल मैं 25 साल 24 साल हो गया, अभी तक मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल नहीं होगा. वहां पे फॉर एग्जांपल अभी तक का मेरा ड्रॉडाउन है 10,000 है, हो सकता है जैसे कि 920 में हुआ, अभी आपने देखा होगा 920 का हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन उसका ट्वाइस है एज ऑफ नाउ, तो वो कोई बंदा ने अगर उसका ड्रॉडाउन 10,000 पकड़ के चला होता, उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग सेट की होती, उसका ड्रॉडाउन तो डबल चल रहा होता, उस वो रेडी था 1 लाख लॉस लेने के लिए और उसका लॉस हो गया 2 लाख. हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन देखते, उसमें देखते कौन कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं चली. सब स्ट्रेटेजी नहीं चली तो वो ड्रॉडाउन जो है परफेक्ट आया है, उसको आप 1.5x भी रख दो, परफेक्टली चल जाएगा. ओके, अगर 3 स्ट्रेटेजी चलिए 3 नहीं चलिए, तो आपको कम से कम 2.5x उसका रख के चलना पड़ेगा, 2.5 या 3x भी आपको चलना. तो वो एक ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि 3x रख दो 2x रख दो, वो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, डेटा क्रंच करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा डेटा में, अंदर जाके आपको पता चलेगा कि क्या उसका सीन है. ओके, तो मैं यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ पाया हूँ अर्षद भाई, मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ तो. पहली इंपॉर्टेंट चीज की बैक टेस्टिंग करते समय आपने एक वर्ड यूज किया कि पहले मैं 1 साल का करता हूँ फिर उसको 2 साल में करता हूँ, जिसको इन सैम्पलिंग आउट सैम्पलिंग बोलते हैं. तो फॉर ऑल आर लिसनर्स, अगर आपको नहीं पता इन सैम्पलिंग के बारे में तो प्लीज डू गूगल इट राइट नाउ, पॉज दिस वीडियो, गूगल इट राइट नाउ. एंड देन आपने बोला कि आप एमडीडी देखने का आपका एक तरीका है कि अगर 6 स्ट्रैटेजी चला रहे हो तो आप देख रहे हो कि मैक्स लॉस आपका कब आया. अगर आपका एज्यूम करो कि 3 स्ट्रैटेजीज में आया मैक्स लॉस, तो आप समझो कि यार अगर 6 में आया तो आप 3x कर दोगे उसको. बट मान लो आपका एमडीडी 5 में आ चुका है, तो आप बोलोगे हाँ यार एमडीडी ने काफी कुछ कवर कर लिया होगा, तो अज्यूमिंगली आई विल डू 2x ऑफ दैट. राइट, इज दिस अंडरस्टैंडिंग राइट? 100% सर, यू गॉट इट राइट. आपको तो ऑलरेडी सर पता है. नहीं सर, आप बताइए. जी सर, बताइए. ओके, तो ये सर क्वेश्चन का आंसर तो ऑलमोस्ट हो ही गया और ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड द लास्ट स्टेज, जहाँ पे हम बात करें कि हम कोई रोबोट सिस्टम बनाते हैं, उसको कौन कौन से स्टेप है. जो हम सबसे पहले फोकस करते हैं वो है आइडिएशन. आइडिएशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेडल है जैसे कि 920, तो वहां पे 25% लोग रखते हैं, वो काम करेगा नहीं करेगा, वो एक आइडिएशन स्टेज हो गया. कुछ लोग बटरफ्लाई करते हैं, कुछ लोग नेकेड स्ट्रेडल करते हैं. तो एक ऐसा भी हो सकता है कि आपने नेकेड 920 पे किया, सीधा आके आप 3 बजे कवर करो, प्रॉफिट बनता है कि नहीं बनता.
वो एक आइडिएशन स्टेज होता है जहां पे आप सोचते हो कि क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। फिर आता है क्रिएशन। क्रिएशन क्या होता है, जहां पे आप स्ट्रेटेजी उसके अराउंड क्रिएट करते हो, जो आइडिएशन होता है ना उसके अराउंड स्ट्रेटेजी को क्रिएट करते हो। और ये सर अभी मैं कुछ यू नो 5-10 मिनट में बता रहा हूँ, बट इतने इतने टॉपिक है, एक एक जो टॉपिक लिखा है ना उसके बारे में सर पूरा 45 मिनट्स का और प्रॉडकास्ट हो सकता है, मतलब आइडिएशन के ऊपर 45 मिनट्स का। एक काम करते हैं ना, ये हम अपने लिसनर्स पे छोड़ देते हैं, अगर लिसनर्स को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा तो मैं उनको बोल दूंगा कि प्लीज एक कॉमेंट कर दो कि आपको अगर अर्शद के साथ चाहिए कि वो जो जो स्लाइड्स इन्होंने समझाई है अगर आप चाहते हो वो डिटेल में समझाए तो आप कमेंट करके बता दो कि नहीं अर्शद को वापस बुलाओ, आई विल गो इन डिटेल सर। जितना हमें एजुकेशन मिलेगी सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा आने के लिए। फिर तो सर वर्कशॉप लॉन्च करनी पड़ेगी इसके लिए। सर कर देंगे वर्कशॉप लॉन्च। नहीं जस्ट किडिंग। ओके सर, सो थर्ड थिंग इज वैलिडेशन। तो फॉर एग्जाम्पल आपका आइडिया है उसको क्रिएट भी हो गया, बैकटेस्ट भी हो गया, वैलिडेशन। तो जो हमने बात की ना सर, हम पहले 3 महीने पे देखते हैं, फिर उसको 1 साल पे, फिर 2 साल पे, तो वो हो गया वैलिडेशन पॉइंट। वैलिडेशन भी बहुत अलग अलग तरीके का होता है, लिक्विडिटी का भी वैलिडेशन करते हैं, 2-3 और भी यू नो चेकलिस्ट होती है, तो वैलिडेशन वहां पे होता है। फिर हो गया स्ट्रेस टेस्टिंग, जो हमने ड्रॉडाउन बताया आपको कि हम कैसे उसको देखते हैं ड्रॉडाउन को, तो वो हो गया स्ट्रेस टेस्टिंग। तो और भी कुछ चीजें, स्ट्रेस टेस्टिंग इज नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट, इट्स अ बिग सब्जेक्ट, तो वो भी सर एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। फिर होता है टेस्ट रन। तो टेस्ट रन में हम सर देखते हैं कि कुछ अगर हमारे जो हमारा तो सर खुद का बनाया हुआ एल्गो है तो उसको हम कस्टमाइज करवाते हैं और उसका पैरामीटर हम चेक करते हैं कि हाँ भाई पास्ट में ऐसा रिजल्ट दिखाया तो फ्यूचर में भी क्या ऐसा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइव में भी ऐसा रिजल्ट देख सकते हैं। फिर निफ्टी का अगर आप कोई डेटा देखोगे बहुत सही आपको दिखेगा उसका डेटा, बट द थिंग इज वहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यू है, तो वो टेस्ट रन में आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको आइडिएशन में पास हो गया, क्रिएशन पास हो गया, वैलिडेशन पास हो गया, स्ट्रेस में भी पास हो गया, टेस्ट में वो फेल हो जाएगा, राइट, क्योंकि लिक्विडिटी का इश्यू हो जाएगा वहाँ। ओके, और फिर होगा लाइव डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे डायरेक्टली हम सर पूरी पोजीशन सर्चिंग, फॉर एग्जांपल हमें वो कोई पर्टिकुलर सेटअप मिला है जहाँ पे हमें 20% वेटेज दिया है, तो भी हम पहले सर इनिशियली 20% देना तो पहले 2% से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे उसका इंक्रीज करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सर केस बताता हूँ, एक हमें समझ लो होली ग्रेल मिल गया था जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विन यू वॉन्ट बिलीव नहीं थी, जिस पर आपको तो मैंने दिखाया भी था एक दिन, 94% था और पूरा 2 साल का डेटा था वो आई थिंक। हाँ, तो हमें तो लगा चलो होली ग्रेल मिल गया, अभी बस मजे मारते चिल करते दुबई जाएंगे, लेमोनेट पियेंगे, बीच के ऊपर हमारा यहाँ पे काम होता रहेगा, राइट। हमने सीधा ही डिप्लॉय कर दिया पूरी पोजीशन साइज पे। सबसे बड़ा वो ब्लंडर था, सबसे बड़ा वो मिस्टेक था, अभी तक का ड्रॉडाउन उसका था 4000 एंड जो जिस दिन हमने लाइव डिप्लॉय किया यू वॉन्ट बिलीव उस दिन उसका 10,000 आया। ओके, तो ये क्या है कि कुछ आप लर्निंग करते हो, एक आपकी जर्नी होती है, इट्स नॉट लाइक योर नाइट सक्सेस। अभी लोग बहुत सारे लोग बोलेंगे, आप थोड़ा डालोगे ट्विटर के ऊपर भी कि भाई 24-25 साल में इतना अचीव कर लिया इस बंदे ने, तो आई मीन दे डोंट सी दिस थिंग बिहाइंड यू नो कि इतना वर्क किया उसके बाद ये कुछ हमने छोटा मोटा अचीव किया। 25 से प्रॉब्लम सर आप बोलोगे बड़ा अमाउंट नहीं होता है ऑनेस्टली, प्रॉब्लम के लेवल पे अगर बात करूँ तो। तो लोग यहाँ पे ऐसा भी है जो 400 करोड़ भी मैनेज करते, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, तो It's not a big deal, जो 25 करोड़ की अगर बात करते हो तो prop desk के level पे। The thing is कि आपके पास एक system ऐसा होना चाहिए जो low drawdown वाला हो, फिर वही cycle जो मैंने बहुत initially बताई थी slide में, low drawdown, sustainability, stability, scalability. That's the process. बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये 6 step follow कर लिए तो automatic सर आप ऑटोमेटिक, जो लाइव डिप्लोमेंट वाली मैंने चीज बताई थी वो इसीलिए बताई रही कि हमने वो ब्लेंडर किया था कि जहाँ पे हमने 4000 का मैच लॉस पकड़ के चला था और उसी दिन जिस दिन हमने सर टेस्ट किया ना, लाइव डिप्लॉय किया, उसी दिन सर उसका वो हाईएस्ट हो गया। फिर जाके रूल बने हैं, जो रूल बने ना वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी की लर्निंग किसी और से ली होगी, थोड़ी हमारी भी होती है, तो सारा कुछ उसको मिला के बनाया हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गया। ओके सर, सो कोई क्वेरी है तो सर ये हमारा ऑफिस का नंबर है, ट्विटर और यूट्यूब पे तो खास हम इतना एक्टिव है नहीं, बट ट्राई करेंगे थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाए। कुछ हमारी जर्नी वीडियो ऑप्शनेबल के साथ हमने शेयर की थी और हमारी खुद की भी थोड़ी सोच रहे सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की, अभी इतना एक्टिव है नहीं। और ग्रोथ इज अ लाइफ, सो लेट्स ग्रो टुगेदर एंड मेक इट मोर ब्यूटीफुल, हमारा एक स्लोगन है कंटिन्यूअसली रिचुअलिस्टिक इंप्रूवमेंट। तो आप सर डेली ब्रश करते होंगे, डेली नहाते होंगे, तो ऐसे सर इंप्रूवमेंट जो होता है वो डेली हम करते हैं। हम 4 बजे के बाद बैठते हैं, हमारा पूरा मतलब एक
दो तीन लोग ही है हम, बहुत लोग नहीं है क्योंकि सब लोगों को हम इन्वॉल्व इस चीज में नहीं करते, बट डेली हम बैठते हैं देखते हैं कि आज क्या 3W जो होता है, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। ऑसम, तो ये सारी चीजें देखते हैं, वीकेंड में भी यही काम करते हैं, अभी तो सर सिंगल है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये सारे काम रहते हैं, तो ये सारी चीजें करते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज यू नो नीतीश भाई, आई हॉनेस्टली लाइक अबाउट यू योर हॉनेस्टी। Honesty, okay. Thank you. And second thing is your dedication. मैंने ऐसा recently आपको मैंने वो message भी किया था आपको वो correlation वाला, तो दूसरे दिन उसका implement कर दिया यार आपने, मतलब really? नहीं नहीं, thank you so much अर्शद भाई। हमें क्या होता है कि मुझे तो बहुत सारे ideas ना बहुत पसंद आते हैं, priorities की बात होती है मेरे को। The day you messaged me about a particular change that you wanted to see in the basket, मैंने कहा यार ये तो बहुत सही है, छोटा है, इसको immediately करते हैं। मैंने सब चीजें छोड़ा के नहीं कहा अभी इसको करते हैं। So thank you so much for this thing. अब ना हम कुछ बातें करेंगे। Okay, हाँ जी। सबसे पहले अर्शद भाई, thank you so much for sharing this thing. I'll tell you why and what is the crux that I see. बहुत लोगों को पहली बात जो इस मार्केट में आते हैं उनको पता नहीं होता प्रॉप डेस्क नाम की चीज होती है। ओके, जिनको पता होता है उनको ये लगता है यार प्रॉप डेस्क के पास तो होली ग्रेल है। तो आई थिंक आपकी इस जर्नी को अगर किसी ने यहां तक सुना है तो मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि वो रिलेट कर लेगा रिटेलर कि यार ये प्रॉप डेस्क वाला बंदा भी फील करता है, इससे भी गलतियां होती हैं, इनके पास भी होली ग्रेल नहीं है, ये भी ड्रॉडाउन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, मार्केट में मार्केट भी इनके हिसाब से नहीं चलती, तो इवेंचुअली इवेंट और ये भी ड्रॉडाउन में जाते हैं। तो वो जो परसेप्शन है ना, आई थिंक सो समहाउ वो रिलेट करवाना आपकी स्टोरी से यहां तक, वो इतना क्रूशियल था और मैं बहुत खुश हूं कि आपने उसको दिल खोल के शेयर किया। आप चाहते तो बोल सकते थे कि यार मैं प्रॉप डेस्क को 25 करोड़, मैं 250 करोड़ तो मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं मैनेज कर लूंगा, बट यू शेयर द ट्रू स्टोरी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट थिंग। ओके, सेकंड थिंग, आप मुझे पता है कि थोड़ा सा ट्विटर पे अभी रिसेंटली एक्टिव होना शुरू हुए हो, बट ज्यादा आप हो नहीं, मैं आपका ट्विटर लिंक शेयर करूंगा तो जिसको कोई क्वेरी होगी वो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा। बट मुझे जानना है कि आप रिटेल ट्रेडर से भी इंटरेक्ट करते होंगे। हां जी यार, एज अ प्रॉप डेस्क जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जिनका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और रिटेल ट्रेडर से आप बात करते हो, तो आपको मेजर डिफरेंसेस क्या लगते हैं और आप क्या सजेशंस रिटेल ट्रेडर को देना चाहते हो कि यार ये चीजें तो छोड़ दो तुम करना और ऐसे करो? सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने देखा है ना सर, रिटेल वर्सेस प्रॉप, रिटेल वाला बंदा छोटी कैपिटल पे लेता है, उसको चाहिए बड़ा रिटर्न। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। गेम सर पूरा ऐसा नहीं है कि यार छोटी कैपिटल पे बड़ा रिटर्न बनाओ, गेम है कि बड़ी कैपिटल पे छोटा रिटर्न कंसिस्टेंट बनाओ। मैंने वर्ड यूज किया छोटी, सॉरी बड़ी कैपिटल पे छोटा रिटर्न और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो भी रिटेलर से हम सर कॉल आते हैं या तो सर बात होती है ना, वो लोग सर यही बोलते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन में सर जनरली देखता हूँ 10% पर मंथ की लेके आती और पूरा साल उसको चाहिए 100% के ऊपर, मतलब सीधी कैपिटल डबल कर उसको करनी है। तो हमारे पास लीवरेज है, ये सारे कुछ HFT वाले सर्वर्स भी रखे, फिर भी हम सर लिमिटेशन जो है उसको, एक्सपेक्टेशन जो है ना उसको लिमिटेड रखते हैं। इवन सर आपका जो कोई प्लेटफॉर्म है स्टॉक मॉक, उसका फॉर एग्जांपल 100% वहां पे दिखाते हैं ना, हमारे पास इतने, मैंने बताया ना आपको स्लिपेजेस बहुत कम होते हैं हमारे, फिर भी हम उसका 70% पकड़ के चलते कि हाँ स्टॉक मॉक में हमें दिखा रहा है, क्योंकि कभी हो सकता है एग्जीक्यूशन का एरर होगा, कभी हो सकता है मार्केट हमारी फेवर में नहीं होगा, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो 70% 60% भी हमें जो दिख रहा है उसका रियलाइज हो गया, विल बी मोर देन हैप्पी। तो गेम है ही नहीं कि छोटा कैपिटल पे बड़ा आप आरओआई बना लो, वो बनेगा भी नहीं, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस लोगे, कहीं ना कहीं आप लोड लोगे, फ्रस्ट्रेटेड होगे, काम छोड़ दोगे, वापस यू विल बी बैक टू योर वर्क। बड़ा कैपिटल उसके ऊपर छोटा रिटर्न और कंसिस्टेंट रिटर्न, ये दो चीजें होगी। और आज का मार्केट इतना मैच्योर हो गया है ना सर कि आप अगर चाहते हो कि मुझे अननेसेसरी या फालतू का पैसा आ जाए विदाउट वर्किंग ऑन एनीथिंग, तो वो नहीं आने वाला है। नहीं आने वाला, बिल्कुल हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा सर, करना पड़ेगा। और डेटा मतलब लोग देखते हैं कि बैक टेस्ट का डेटा देख लिया, चलो अभी कल से डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया आपको 1 साल पे देखना पड़ेगा, 2 साल पे भी देखना पड़ेगा, उसमें भी आपको वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखने पड़ेंगे। थर्ड थिंग, आपको ड्रॉडाउन जो है उसमें भी डीप जाना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें होती है। इट्स नॉट लाइक कि बस हो गया, एक बार बैक टेस्ट किया उसका 60-70% ROI दिखा रहा है तो बस इतना अचीव होना ही चाहिए। इट्स कम्प्लीटली नॉट लाइक दैट, मतलब बता नहीं सकता, कम्प्लीटली मेंटली जो है ना टोटली वो डिस्टर्ब कर देता है पूरी चीजों को, क्योंकि अगर आपने 70% एक्सपेक्ट किया है नहीं आया, डेफिनेटली विल बी फ्रस्ट्रेटेड।
बिल्कुल प्रॉफिट में होंगे फिर भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, दैट्स द बिगेस्ट पार्ट. बिल्कुल 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 बिल्कुल. वो बोलते हैं ना कि जैसे ज़ेरोधा का जो फाउंडर नितिन कामत, वो हमेशा बोलते हैं कि हमारा हायरिंग का एक सिंपल प्रोसेस है. हम लोगों को कभी ना एक्स्ट्रा कमिट नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं अंडर कमिट करें और ओवर डिलीवर करें. एग्जैक्टली. आज मेरा सर 500 रुपए पर डे का टारगेट है और मैं 400 रुपए ले रहा हूँ तो मैं बहुत अपसेट हूँ. पर अगर मैं 300 का टारगेट है और मैं वही 400 रुपए ले रहा हूँ ना, ये मैंने सेम बात विवेक बजाज के इसमें बोली थी इंटरव्यू में, तो लोग खुश होंगे कि अरे वाह मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया. अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा इसमें हर्षित भाई, मान लो मेरा 2 लाख एज अ रिटेल ट्रेडर मेरा 2 लाख रुपए एक लॉट का कैपिटल है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ईयरली ऑन एन एवरेज रेंज क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सर काम नहीं होगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 2 लाख में, आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि आप अलग अलग आपका आपका मतलब 2 लाख में एक ही कोई प्लेयर आएगा, सचिन आएगा या तो वीरू आएगा. तो कम से कम आपको एक बकेट बनाना है. तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से स्वीट स्पॉट जो है इट वेरीज बिटवीन 3 to 6 स्ट्रेटजीज फॉर रिटेलर. बिल्कुल ठीक है ना. तो आपको इतना बनाना पड़ेगा. तो फॉर एग्जाम्पल 3 स्ट्रेटजी का भी आपने बना लिया या 4 स्ट्रेटजी का बना लिया बकेट, तो 4 स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको पोजिशन साइजिंग सेट करना होगा. तो कम से कम आई थिंक इट वुड बी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 8 to 10 lakhs rupees. नहीं नहीं, मैं मेरे पास कैपिटल मेरा 10-20 लाख पड़ा एज्यूम, पर मैं 2 लाख पे एक लॉट कर रहा हूँ, लेवरेज नहीं ले रहा, तो मेरा एक्सपेक्टेशन जनरली कितना होना चाहिए सर परसेंटेज में? परसेंटेज टर्म्स में इफ आई टॉक अबाउट देन इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 30 to 50%. वाओ नाइस. या एवरीवन टॉक्स अबाउट सेम रेंज की 25 to 50% के बीच में जो भी आ जाए ईयरली इट्स गुड. तो देख लो लिसनर्स, प्रॉपर्टीज़ वाला भी यही उम्मीद कर रहा है, कोई कैपिटल डबल नहीं हो रहा किसी के वेबिनार में ना स्टॉक मार्केट में, कहीं कैपिटल डबल नहीं होगा. हो जाए तो खुश हो जाओ पर एक्सपेक्टेशंस इतनी रखो बस. कैपिटल सर डबल हो रहा है तो आप बता दो, मैं सर मेरी जो गाड़ी है बंगला है फिर मेरी कितनी भी 2 बच्ची है तो मैं सर इन्वेस्ट कर देता हूँ वहाँ पे. रहने दो भाई, आपकी शादी होने वाली है थोड़े टाइम में. नहीं नहीं फिर तो सर शादी होगी तब तक वो डबल हो गया होगा ना, 1 साल की देरी, तो मैं फिर और 2 कितनी मेरे खुद से डलवा लूंगा. नहीं दैट्स नाइस कि हमें अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है. और जो हमने बेसिक बात बता दी कि यार रिस्क हमारे हाथ में, रिटर्न्स मार्केट के हाथ में. इट्स सो क्रिटिकल. अच्छा मुझे पक्का पता है कि हमारे इस इंटरव्यू में लोग, हमारे लिसनर्स पता है क्या वेट कर रहे होंगे ये पूछने के लिए कि यार जब 19 इयर्स की एज में हम अपने स्कूलिंग खत्म करते हैं तो हम ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम करियर तो कभी नहीं सोचते. देखो मैंने तो कभी नहीं सोचा. तो आप यार लैंड कैसे करे और आपने सोचा कैसे और आपको इतना बैकअप कैसे मिला अपनी फैमिली की तरफ से कि हाँ यार कर ले ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम करियर? नहीं सर बैकअप तो कभी नहीं मिला ऑनेस्टली. अच्छा एंड द थिंग इज कि इट हैज नॉट स्टार्टेड विद दिस माइंड थॉट इन अ माइंड कि जहां पे फुल टाइम उसको लेना है. आई स्टार्टेड फाइलिंग आईपीओ जैसे मैंने आपको बताया, तो आईपीओ से सर थोड़ा बहुत मतलब उसका मुझे करीबन घर से ही मुझे 5 लाख रुपए मिल गए थे. अच्छा. मेरे आर्टिकलशिप ऑनगोइंग था, पता था सीए कर रहा है तो कहीं इधर उधर यू नो वो नहीं करेगा, स्पेंड नहीं करेगा या वेस्ट नहीं करेगा. तो वहीं से सर तब तो बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न आए थे. जैसे मुझे एक याद है डीमार्ट का आईपीओ था सर, 100% जो आप गेन की बात कर रहे थे ना, तो आप देखना उसमें 100% वो डिलीवर हुआ था आरओआई. बट द थिंग इज कि मैंने 10 आईपीओ अप्लाई किए थे तो 2 ही में मिला था एलोकेशन. हाँ तो वो वैसे 100% नहीं होता है, बट जो एलोकेशन हुआ था उसमें 100% हुआ था. तो वैसे करके सर थोड़ी कैपिटल बनाई. फिर सिस्टमेटिक काम क्या होता है या तो फिर रूल बेस कैसे करते वो सब पता नहीं था, तो सारा कुछ गवाया. और आज की तारीख में अगर सही में बात करूँ तो हम 100% सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करते. अच्छा. हाँ कुछ पोर्शन है जो हमारा फिक्स है जो बाहर से आता है जो ट्रेडिंग के रिलेटेड नहीं है. क्योंकि हमारे पास देखो सर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मुझे यहाँ से पैसे बनाने हैं. जब वो प्रेशर आया ना तो आप ड्रो डाउन फेस चाहे 2% का भी हो ना वो आप नहीं फेस कर पाओगे. तो कुछ पैसा जो हम थोड़ा यू नो कुछ बाहर का मतलब सीए के रिलेटेड जो वर्क है वहां से आता है साथ साथ में मार्केट. बट प्राइमरी काम तो हमारा यही है ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वही है. तो धीरे धीरे सर हम समझते गए सिस्टम को. फिर थोड़ा बहुत सर कनेक्टिविटी, गुजरात सर एक ऐसा यू नो स्टेट है जहाँ पे आप मेरे बिल्डिंग में सर कम से कम 300-400 ऑफिस है, तो आप अल्टरनेट ऑफिस पे जाओ सब लोग 9 से 3 बजे यही काम करते हो. ओके. तो डेफिनेटली गुजरात में वो एक वाइब्स है. अगर सूरत में अगर जेनम की बात करूँ, इतना बड़ा प्रॉप डेस्क है सर, कम से कम 5,000 ट्रेडर्स है उसके सूरत में. और ऑल ओवर इंडिया में इफ आई टॉक अबाउट देन इट शुड बी अराउंड 8,000, जिसमें से 50 और 3 मेजर ब्रोकर है ना वो मिला दे, 3 या 4 मेजर ब्रोकर है उसको मिला दे गुजरात के है वो, उसका 45% ऑफ द वॉल्यूम
वो जाता है एनएससी में, मतलब चार ब्रोकर ने मिलकर डिसाइड कर लिया आज काम नहीं करना है, तो 45% लिक्विडिटी, मतलब ऑलमोस्ट 50% हो गया आप समझ लो। वाओ। तो सूरत और गुजरात एक ऐसा चीज है जहाँ पे लोग ज्यादा अवेयर है इस बारे में, बट द स्टिल थिंग इज की दे आर नॉट अवेयर अबाउट द एल्गोस एंड ऑल दिस थिंग। तो कहीं ना कहीं आप जब भी ये डालो तो मेरी खास रिक्वेस्ट है गुजरात खास डालना, उसका रीजन है लोकल से लोकल ज्यादा कनेक्ट कर पाते। तो सूरत से भी अगर कोई बंदा देख रहा है ना, यू मस्ट ट्राई दिस थिंग एंड यू शुड डू ऑल्सो। मैंने आपका वो ऑफिस नंबर भी दिया, आप ट्राई करो आओ, हम ज्यादा उसको एक्सप्लोर करेंगे। मेन थिंग इज उसको अभी एल्गो में किसी को ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे ज्यादातर। अच्छा। वो ज्यादातर बॉम्बे दिल्ली वो साइड चलता है, गुजरात में बहुत कम लोग करते हैं और हंसते हैं लिटरली। इफ यू से ना कि एल्गो ट्रेडिंग वी आर डूइंग, दे विल लाफ ऑन यू। बट अभी थोड़ा परसेप्शन चेंज हुआ है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, वी हैव सर्वाइव्ड इन इवन दिस काइंड ऑफ वोलेटिलिटी। वाओ। ओके यार, आपने प्रॉप डेस्क की जो बात करी, अपना नंबर शेयर किया है, मुझे एक बात बताओ, अ रिटेल ट्रेडर इफ दे वांट टू गेट इनटू प्रॉप डेस्क तो क्या ऐसा पास करना पड़ता है, कौन सा आईआईटी का एग्जाम देना पड़ता है, हाउ विल दे गेट इनटू प्रॉप डेस्क? आईआईटी का तो नहीं सर, बट एनआईएसएम का एग्जाम देना पड़ता है। अच्छा। तो हाँ, इसका एक मॉड्यूल आता है इक्विटी डेरिवेटिव। ओके। 8 नंबर का वॉल्यूम है वो, अगर आप एग्जाम देते हो वो बहुत इजी है, टफ नहीं, तो पास हो जाता है। सेकंड थिंग, आप कैपिटल थोड़ा बहुत चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोलोकेशन के जो खर्चे होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, आईडी का कॉस्ट जो है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अगर आपको कोलोकेशन में काम करना है तो। अच्छा। दो आपके पास प्रेफरेंसेस होते हैं, आप कोलोकेशन में काम कर लो या नॉर्मल सर्वर जैसे आप जीरोधा में करते हो, तो जीरोधा वैसे करते हो तो उसका बहुत खर्चा नहीं होता है, बट कोलोकेशन का खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो वो करना है तो उसके लिए थोड़ी कैपिटल आपकी ज्यादा होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 lakhs, दिस इज द प्रेफर्ड कैपिटल, फिर आप आ सकते हो और आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लाइक 2-3 years का जो प्रॉफिटेबल हो। ओके। तो अगर मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैंने एनएसआईएम का 8th वॉल्यूम कर लिया और मेरे पास अज्यूमिंगली 50 लाख कैपिटल है, तो मैं प्रॉपडेस्क को अप्रोच कर सकता हूँ? प्रॉपडेस्क में सर डायरेक्टली ऐसे नहीं लेते, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिस्टम क्या होता है, एक लीडर होता है, जैसे कि मैं एक लीडर हूँ, तो उसके नीचे कुछ कुछ बंदे जो होते हैं वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम है, जैसे मैंने लिखा था फाउंडर ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपडेस्क टीम, तो वो हमारी टीम होती है। कुछ कुछ सर, आप जब भी गुजरात आओ, सूरत आओ, मस्ट आपको मैं एक जगह पे लेके जाऊंगा, वहां पे सर मिलके 300 लोग बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका लीडर एक ही होता है, तो वो सारा आरएमएस देखता है, सारी पोजीशन देखते है, सब कुछ वही देखता है, किसको कितनी लिमिट देनी है, किसका कितना रिस्क है। तो एक लीडर होता है, आपको उसको अप्रोच करना पड़ेगा, आपकी बहुत बड़ी कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल है 1 या 2 से, तो आप डायरेक्टली ब्रोकर के पास जा सकते हो, उसको बता सकते हो कि भाई ऐसा कुछ काम है हमारा, इतना रिस्क डिफाइन है आपका, थोड़ा बहुत इंटरव्यू जैसा एक होगा जहाँ पे आपको पूछेंगे आप कैसा रिस्क, आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन देंगे कि इतना गैप डाउन खुला, इतना गैप अप खुला, क्या करोगे उस सिचुएशन में, आपका ये पोजीशन है, वहां पे पास हो गए तो आपको डायरेक्टली लीडर बना देंगे, अगर नहीं पास हुए तो फिर आपको कोई लीडर सजेस्ट कर देंगे बड़ी लोग कि आप पहले थोड़ा ट्रेन हो गया हो। ओके ओके, ठीक है, इट्स अ नाइस इन्फॉर्मेशन। अब हमारे लिसनर्स जरूर इसके बारे में पढ़े, एनआईएसएम का सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं पता तो आप उसके बारे में देखें, अर्शित ने जो बताया प्रोसेस लीडरशिप का, ब्रोकर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का, मिनिमम कैपिटल होने का, बेसिक एक्सपीरियंस शो करने का, ऐसा नहीं है कि आज आप फर्स्ट डे एंटर करें, एनआईएसएम का सर्टिफिकेट ले लिया और एंटर कर गए, यू हैव टू हैव गुड एक्सपीरियंस। तो सर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और उसमें भी सर इनिशियली क्या होता है, जिस किसी को भी लीडर बनाते हैं ना, स्पेसिफिकली एक आरएमएस टीम होती है, वो उसको सबसे पहले ज्यादा वॉच करती है कि भाई कैसा काम कर रहा है। ओके। एक दो महीने के लिए, एक बहुत बड़े ट्विटर के लोग गुरु मानते हैं उसको, रिसेंटली मैंने सर एक प्रॉप डेस्क में वो दिलवाया था कोड, तो उसके ऊपर भी सेम प्रोसेस फॉलो, वो बहुत सेलिब्रिटी है, मतलब लाइक उसके फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे खास है, उसके ऊपर भी सेम प्रोसेस वो अप्लाई करते, वो देखते ही नहीं आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका नेटवर्क क्या है, कुछ भी नहीं देखते। समझ गया। तो सबके लिए इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एंड देख लो भाई, जिसको प्रॉपडेस्क के बारे में जानना था मैंने पूछ लिया, ये हमसे भी पिछले एक दो हफ्ते से कोई क्वेश्चंस पूछ रहा था कि प्रॉपडेस्क में जाने के लिए क्या करें, तो ये अर्शित भाई ने आंसर कर दिया। अर्शित, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने मिडल ऑफ द वीडियो में बोला, अगर किसी को ये पसंद आई और वो चाहते हैं कि अर्शित को मैं दोबारा बुलाऊं किसी पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के डिटेलिंग में जाने के लिए, तो मुझे कमेंट में बता दे, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ये इन्फॉर्मेशन भी जो इन्होंने शेयर करी है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। थैंक यू सो मच अर्शित फॉर स्पेशली आपको थैंक यू। श्योर और स्पेशली आपको थैंक यू इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर भी आपकी एनर्जी में थोड़ा भी कहीं पे डाउन नहीं लगा, आपने हाई डोज भी लिया था
नहीं नहीं यार, तुमसे बात करके इतनी एनर्जी आ गई मेरे में कि मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे को पता भी नहीं लगा एक घंटा कब हो गया हमारा। अरे घंटा हो गया क्या? यस। हेलो, थैंक यू सो मच अर्शित, गुड डे, बाय बाय। सो आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं अर्शित से आई थिंक सो लास्ट ईयर, उससे पहले मैं कनेक्ट हुआ था, और इससे जब बात करो ना मुझे 24 इयर्स वाली फील ही नहीं आती। ये इतनी नई नई इन्फॉर्मेशन मुझे देता रहता है क्योंकि ये प्रॉप डेस्क में एसोसिएटेड है, ये रिटेल ट्रेडर से इतनी बातें करता है, इसको इतना कुछ इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी नॉलेज है। तो मैं जरूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम दो बार देखो, जो क्वेरीज है आप डायरेक्टली पूछो, मुझसे पूछने मुझसे पूछो, कमेंट्स में पूछो, अर्शित को टैग करके ट्विटर से पूछो, बट प्लीज ये जो इन्फॉर्मेशन आपको फ्रीली अवेलेबल मिल रही है ना, इसका बेस्ट उसको सुनो, एंजॉय करो और इम्प्लीमेंट करो अपने ट्रेडिंग करियर में, थोड़ा 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो। और आप ये कर लोगे तो मैं समझूंगा कि हमारे पॉडकास्ट का जो एफर्ट्स है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। सो थैंक यू सो मच, अभी मैं अलविदा लूंगा आप सबसे। अगर आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।